अभी ऐसा सिचुएशन है कि मैं अभी ठीक से बोल पा रहा हूँ। अभी फिलहाल हमारा एक मीटिंग हुआ था जहाँ पे मुझे जो फार्मर आए थे हर ब्लॉक से, उनको समझाना था स्कीम के बारे में, तो मैं अच्छे तरफ से बोल पाया। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टामरिंग नहीं हुआ, मेरा हुआ लेकिन पिछले से बहुत ज़्यादा कम हुआ। मैं अपने बातें अच्छे से रख पाया, ज़्यादातर लोगों समझ पाए और उन्होंने मुझे फिर से सवाल पूछा, मैंने फिर से बोला तो बहुत अच्छा रहा। हेलो जी एवरीवन, नेम इज नेहा रंजन गुड नायक एंड आई एम फ्रॉम उड़ीसा एंड मेरा एज 26 ईयर का है और मैं अभी आज असिस्टेंट इंजीनियर के वो हिसाब से काम कर रहा हूँ अभी। और मेरा स्टामरिंग साल से ही जो शुरू हुआ और अभी तक आपने कैसे ट्रेनिंग लिया था? सर। नो सर, ये फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ फर्स्ट टाइम है सर। ठीक है, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया। हाँ जी, निहार बोल सकते हैं। सबको नमस्कार। हाँ, मेरा नाम निहार है और मैं ओडिशा से हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 5 साल का था तब से मेरा स्टामरिंग शुरू हुआ। आज मैं 26 साल का हूँ। 20 साल में लगभग इतने बैड एक्सपीरियंस रहे हैं स्पीकिंग को लेके कि मेरा कॉन्फिडेंट कभी ऊपर उठा ही नहीं। मैंने हर जगह स्कूल कॉलेज में बस सर्वाइविंग किया है किसी तरह को, और आखिर में कुछ ना कुछ होके मेरा हो गया, मतलब मेरा अच्छे से एक जॉब हो गया। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझे फार्मर के सामने बोलना था कि वो जो स्कीम आता है हमारे अंडर में, तो मुझे लोगों को समझाना था, तो उसी में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो वो मेरा सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस था। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इसको बदलना होगा और मैं इसे सरवाइव नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश की, तो उसके बाद अंकुश सर का मुझे वीडियो मिला, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। पर अभी ऐसा सिचुएशन है कि मैं अभी ठीक से बोल पा रहा हूँ। अभी फिलहाल हमारा एक मीटिंग हुआ था जहाँ पे मुझे जो फार्मर आए थे हर ब्लॉक से, उनको समझाना था स्कीम के बारे में, तो मैं अच्छे तरफ से बोल पाया। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टामरिंग नहीं हुआ, मेरा हुआ लेकिन पिछले से बहुत ज़्यादा कम हुआ। मैं अपने बातें अच्छे से रख पाया, ज़्यादातर लोगों समझ पाए और उन्होंने मुझे फिर से सवाल पूछा, मैंने फिर से बोला तो बहुत अच्छा रहा। पहले कैसा था आपका ट्रेनिंग से पहले?
मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार ही था। मैं ऐसा सिचुएशन था कि मैं अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता था। मेरे लिए मेरे जो सीनियर हैं वो आके बोलते थे, ये है हमारे निहारंजन, ये आज से हमारे ऑफिस को आए हैं, तो वो मेरे लिए बोलते थे। पर अभी बहुत सिचुएशन में बहुत चेंज आया है। मैं सबसे बात करता हूँ, हमारे सीनियर ऑफिसर हो गए या फिर लोगों से, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कोई सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन इतना ही है कि स्टामरिंग को अगर आप ज़्यादा सीरियस थोड़ा आप सीरियसली लेंगे तो इसको कम समय में भी ओवरकम किया जा सकता है। बस वो आपके ऊपर है कि आप उसको सीरियसली लेना चाहते या नहीं। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर।